हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल का हलवा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल लिया है घी। तो आप जब भी कोई भी हलवा बनाते हो तो सबसे बेटर होता है कि आप उसे घी में ही बनाओ, क्योंकि घी से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है मूंग दाल, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगाया था। और आपको अगर इसे सुखा के वापस से रोस्ट नहीं करना है तो आप इसे 7 से 8 घंटे तक भिगा सकते हो। बट अगर आप इसे रोस्ट करोगे तो ये बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही जल्दी पक भी जाता है। तो चलिए अब इसका कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। देन हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमें इसे घी में वापस से पकाना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। 10 मिनट लगेंगे आपको इस प्रोसेस में। तो आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है और थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगेन मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, और अगेन मैंने यहाँ पे घी ले लिया है, और हमने यहाँ पे मूंग दाल जो था हमने रोस्ट किया था उसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड भी कर लिया है। तो अब हमें इसे पकाना है कम से कम 20 मिनट तक। तो अब जो है इसे हमें वापस से अच्छे से पकाना है। तो सबसे पहले हमने उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, तो अब इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी हमें इस तरह से इसे पकाना है कि इसका कलर पूरी तरह से घी में कोट हो जाए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स होना चाहिए। इस टाइम इसे करने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो अच्छी चीज़ अगर खानी है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, अब इसका जो कलर है पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और इसका जो हमने घी के साथ इसे मिक्स किया है पूरी तरह से ये मिक्स भी हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 लीटर दूध। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी ले सकते हो। मुझे जितना कम पड़ रहा था मैं उसमें ऐड कर रही थी। आप जितना मूंग दाल का हलवा लेते हो आप उसके रिक्वायरमेंट्स में बिल्कुल भी बना सकते हो। तो चलिए अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे इसका, जब तक ये पूरा दूध जो है सोख ना ले, तब तक हमें इस हलवे को चलाते ही रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लगभग 100 ग्राम के करीब शक्कर, और जब हम इसे बिल्कुल ही पकाते नहीं है तब ये थोड़ा सा फूटने भी लगता है। आप इसे बिल्कुल ही छोड़े नहीं तो आप इसे के साथ अपने साथ एक ढक्कन भी पकड़ सकते हो ताकि आपके फेस में छिटकने ना लगे। तो ये है, इसको आपको थोड़ा सावधानी से बनाना पड़ता है, थोड़ी केयरफुली आप बनाएं। तो इसे अब अच्छे से मिक्स करते ही रहेंगे हम, जब तक पूरी तरह से दूध सोख ना ले और हमारा जो हलवा है वो ड्राई ना हो जाए। तो अब जो है हमारा हलवा पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनको मैंने ऑलरेडी घी के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। सबको अलग अलग टाइम लगता है रोस्ट होने में, तो आप सबको अलग अलग ही पकाएं। तो ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो हमारा मूंग दाल का हलवा है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। गाइज इस तरह से ज़रूर ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को।